गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने सेट्स के बारे में किया था कि सेट क्या है। वहां हमने इक्वल सेट पढ़ा था, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सब सेट। सब सेट पहले इसको समझने की कोशिश की, सब सेट यानी सब पार्ट किसी सेट का छोटा रूप। जैसा कि अगर हम देखें कि अगर हम कहते हैं कुरुक्षेत्र के सभी स्कूल और हम एक पर्टिकुलर स्कूल में जाने गीता निकेतन स्कूल, तो गीता निकेतन स्कूल जो है जो कुरुक्षेत्र के सभी स्कूलों का सबसेट है। हम अपनी फैमिली के एक मेंबर हैं और हमारी फैमिली के हिसाब से हम उसके सबसेट हो जाएंगे। तो सबसेट की डेफिनेशन आप वर्ड से दिए, सबसेट कि उसका छोटा रूप। अगर मैं दो सेट लूं, द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ बी इज contain all element of set A, all elements of set A. A B का सबसेट कब कहलाएगा? जब B जो सेट है वो A के सभी एलिमेंट को कंटेन करता हो। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया A के अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5 और उधर से B के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1 भी A, B के अंदर है, 3 भी है और 5। इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B। ये इसका सिंबल है सबसेट का, कि A B का सबसेट है। अगर B की तरफ से पढ़े यहां तो B इज ए सुपरसेट ऑफ सेट A। B जो है वो A का सुपरसेट होगा, यानी छोटा सेट बड़े का सबसेट। अगर छोटे सेट के सभी एलिमेंट बड़े के अंदर हैं और बड़ा सेट अगर छोटे के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है तो वो छोटे सेट के लिए सुपर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। तो सीधी सी लैंग्वेज होगी, अगर मान लो कि और एग्जांपल हम लेते हैं, ए है 1, 3, 4 और बी है 4, 3, 1। तो यहां से अगर हम बात करें, देखिए 1 भी है, 3 भी है, 4 भी, तो इंप्लाइड A इज ए सबसेट ऑफ B और B के भी जो सभी एलिमेंट A में है तो B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। फिर हम ये भी पार्ट करा देंगे, अगर A के सभी एलिमेंट B में है लेकिन B का कोई एलिमेंट A में नहीं है तो इसको प्रॉपर सबसेट भी हम बोल सकते हैं। तो इस केस में A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। देखिए A सेट है 5, 6 और B सेट है 1, 2, 3, 5, 7। 5 है वहां, यस, 6 है नहीं है, तो इंप्लाइज A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B या B भी नॉट ए सबसेट ऑफ A। या आप लगाइए इक्वल या नहीं, उसका कोई वन नहीं। A B का सबसेट नहीं है, B भी A का सबसेट नहीं है। ये जो अकेला लगाएंगे वो प्रॉपर सबसेट में यूज कर लेते हैं। और अगर A B का है, B का फिर इक्वल भी, यहां आप चाहे इसको यूज कीजिए। अगर आपने इसको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, A B B का सबसेट नहीं है और B भी A का सबसेट नहीं है। अब हम किसी सेट से सबसेट सीखते हैं, कैसे बनाते हैं किसी भी सेट के सबसेट हम कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं उनको 2 की पावर कर देंगे तो सबसेट तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पार्ट देते हैं, एक सेट आएगा हमारे पास यहाँ, फिर आपने दूसरा जो पार्ट है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अगर मैं सेट को A से डिनोट करता हूं तो नंबर ऑफ को N ऑफ A लिखोगे, कार्डिनल नंबर। अगर आपको ध्यान दें क्या है,
कार्डिनल नंबर। अगर हम सेट को ऐसे नोट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एन ऑफ ए, यहां लिखोगा पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये आ जाएगा टू की पावर एन ऑफ ए। जितने भी एलिमेंट ए सेट में हैं, उनकी काउंटिंग टू की पावर कर लीजिए, वो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे आपके पास। पहले हमने कोई सेट लेंगे, फिर इसमें से एलिमेंट की काउंटिंग ले लेंगे कार्डिनल नंबर, और जितने भी एलिमेंट को टू की पावर कर दीजिए उतने ही पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट आपके पास बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पावर सेट, पी ऑफ ए। पावर सेट का मीनिंग क्या है, कि जितने भी ये सबसेट बन के आएंगे उनकी लिस्ट है ये। यानी इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं पावर सेट को लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए। जितने भी सबसेट आप बनाएंगे यहां पे उन सभी की लिस्ट, उसको हम पावर सेट बोलते हैं। पी लगा दें पी ओ पी। अगर वहां सेट को आपने बी से डिनोट किया है तो पी ओ पी, अगर वहां आपने सेट को डी से डिनोट किया तो पी ऑफ डी आप लिखिए। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले मैं ए सेट को बिल्कुल खाली रख देता हूं, इसको आप ऐसे फट। अब यहां काउंटिंग देखिए कितनी काउंटिंग है यहां एलिमेंट की, जीरो। कितनी काउंटिंग है, जीरो। अब इसको टू की पावर जीरो कीजिए, वन। एक ही सबसेट बनेगा इसका, और वो बनेगा आप ब्रैकेट लगाइए इटसेल्फ फाइव। फाइव फाइव का सबसेट होता है, एक ही सबसेट है ये। ब्रैकेट ना भी ना फाइव, क्योंकि पावर सेट है। अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो ये फाइव हो जाएगा सिंपल। और नेक्स्ट चीज देखिए, अभी मैं आपके सामने सिर्फ एक एलिमेंट यूज कर रहा हूं टू। अगर आप एलिमेंट की काउंटिंग करेंगे तो वन है, टू की पावर वन मीन टू सबसेट होंगे इसके। पहले आप सेट ब्रैकेट यूज कीजिए, एक तो होगा फाइव। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव वो हर एक सेट का सबसेट होता है। दोबारा सुनिए जाइए, फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। फाइव एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट होता है। और दूसरा, अब वन के ऊपर सेट ब्रैकेट लगा दीजिए तो ये आपके सबसेट हो जाएंगे। तीसरे केस में हम दो एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी। यहां पे काउंटिंग आप कीजिए टू, और टू की पावर टू मीन फोर सबसेट आपके क्रिएट होंगे। देखिए कौन कौन से होंगे, फोर फाइव कॉमा। अब आप इनको सिंगल सिंगल करके लिखिए ए और सेट ब्रैकेट बी। आपने इनको फाइव लिया सबसे पहले, फिर सिंगल सिंगल ए बी, और फिर दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए ए बी। तो ये आपके पास फोर एलिमेंट, वन टू थ्री फोर, ये एक एलिमेंट काउंट होगा ये सेट के अंदर, सेट ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो आप एक एलिमेंट काउंट करोगे इसके ध्यान रखना। फोर्थ केस में मैं यहां पे तीन एलिमेंट उठाता हूं, वन टू थ्री। आप चेंज भी कर सकते हो टू फोर जो भी। काउंटिंग थ्री, टू की पावर थ्री मीन आपके पास एट सबसेट बन के आएंगे। कितने आएंगे, एट। देखिए सबसे पहले आप लिखो फाइव, फिर आप इनको सिंगल सिंगल करके लिखिए, सिंगलटन वन, सिंगलटन टू, थ्री। अब आप डबल करके लिखिए, पहले के डबल में क्या है कि पहले आपने थ्री छोड़ दिया मान लो वन टू, फिर आप टू को छोड़ दीजिए वन थ्री, फिर आप वन को छोड़ दीजिए टू थ्री, और आप सभी को लिख दीजिए वन टू थ्री, फिर इस पर सेट बैठ। तो ये आठ सबसेट आपके बन जाएंगे। नंबर फाइव केस में मैं यहां पे फोर एलिमेंट उठाता हूं, ए बी सी डी। काउंटिंग फोर है, टू की पावर फोर, सिक्सटीन एलिमेंट सबसेट बन जाएंगे आपके पास। आप ध्यान से लिखिए सिक्सटीन कैसे। सबसे पहले आप लिखोगे फाइव, फिर सिंगल सिंगल लिखिए, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी। ये हो गया एबीसी। अब आपको डबल लिखना है, डबल एक बार देखिए,
पहले आप फिक्स कर लीजिए और ए के साथ क्या लीजिए बी सेट ब्रैकेट में ए बी, फिर आप ए के साथ क्या लोगे सी और फिर ए के साथ डी इस तरह सिंगल टर्म में सॉरी डबल में ए के साथ सी और ए के साथ डी, ये आपके हो गए डबल ए के साथ हो गए। अब आप ए को बाहर कर दीजिए यहां से, इस ए एलिमेंट को बाहर कर दीजिए सर के साथ, अब बी से स्टार्ट कीजिए, बी के बाद बी से सी और बी से डी, अभी आपने लिखा बी के साथ बी सी और बी डी, अब आप बी को बाहर कर दीजिए सी के साथ लिखिए डी, अब आप ऐसा नहीं कि सी ए क्यों लिखा क्योंकि ए सी या सी ए आपका सेम है, आप ए सी लिखिए सी ए एक जैसी बात, ए भी लिखिए बी एक जैसी बात है, तो डबल नाम क्या होगी सभी। अब हम करते हैं ट्रिपल में, ट्रिपल में जब क्या है एक बार आप डी को छिपा लीजिए, डी को छिपाएंगे तो क्या आएगा ए बी सी ए बी सी, फिर आप सी को छिपा लीजिए क्या बचेगा ए बी डी, फिर आप बी को छिपा लीजिए क्या बचेगा ए सी डी, फिर आप ए को छिपा लीजिए क्या बचेगा बी सी डी, अब आप चारों को लिख दीजिए ए बी सी डी, या काउंटिंग कीजिए आपके टोटल जो है 16 सबसेट बन गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट में फिर ये सेट ब्रैकेट का बन दीजिए। तो ये आपके पास जो ग्राफ है कि कोई भी आपको एक सेट दिया है उसके सबसेट की काउंटिंग आपको तैयार करनी है या लिस्ट तैयार करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं, जितने भी जिस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उनको 2 की पावर कर दीजिए वो काउंटिंग आ जाएगी और लिस्ट आप इस तरह तैयार करेंगे उसको आप पावर सेट हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको पावर सेट। एक बार ध्यान से इसको नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे चलते हैं, इसी में क्या है हमारे पास पावर सेट सबसेट की लिस्ट तैयार करना ओके। अब हमारे पास आएगा इंटरवल तैयार करना, देखिए जब आपने 10th क्लास में नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा था इंटीजर्स का सेट आपने किया था, लास्ट में जो फाइनल सेट हमने पढ़ा था रियल नंबर था, तो यहां पे अगर हमें कोई बोल दे नेचुरल नंबर के केस में भाई कोई वैल्यू निकाल दे आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं आपको कोई बोल दे कि x लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 4 से लेस देन है आप आराम से लिस्ट तैयार कर सकते हैं 1 2 3, जैसी केस में मैं कहूं x belongs to whole number तो आराम से लिस्ट तैयार कर सकते हैं 0 1 2 3, अगर आपको बोल दे इंटीजर के केस में तो आप लिख सकते हैं डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं, तो रियल के केस में आप लिस्ट तैयार नहीं कर पाओगे, रैशनल नहीं करता लेकिन रियल की बात मैं करता हूं तो उसको आप कैसे लिखेंगे एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। रियल के केस की अगर हम बात करें ये हमारे पास रियल लाइन है कोई माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट में से एंड नाम लिख लेते हैं बट एक्चुअल में नंबर रियल लाइन पे नहीं होते 0 1 2 3 -1 -2, अगर आपको किसी केस में बोल दे कि आपको 1 और 3 के बीच का इंटरवल डिफाइन करना है मैं यहां पर आपके 4 केस आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला ही केस आपके पास अगर x दे दे ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल में अगर हम बात करें 1 और 3 के बीच की बात अगर हम लेते हैं 1 और 3 के बीच बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट 1.1 1.11 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
इंटरवल केस में, जब माइनस वन से थ्री है और ये हमारे पास किस इंटरवल स्टार में क्या करना है, वन से लेके थ्री, देखिए वन यहां काउंट नहीं है, ग्रेटर वन, थ्री भी काउंट नहीं, तो इसको हम बोलते ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अगर यही वैल्यू ऐसा आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन थ्री एक्स बिलोंग्स टू आर, वन यहां काउंट है बट थ्री काउंट नहीं है, तो वन पे आएगा क्लोज इंटरवल और थ्री पे आएगा ओपन, इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन, सॉरी
सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल, लेफ्ट की तरफ से क्लोज और राइट की तरफ से ओपन। अगर आपके पास ये केस ऐसा ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, वन काउंट नहीं है तो वन की तरफ से ओपन, थ्री यहां पे काउंट करना थ्री की तरफ से क्लोज्ड, तो इसको हम बोलेंगे सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट केस, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाई देखिए वन भी काउंट है और थ्री भी काउंट है, तो वन की तरफ से भी क्लोज और थ्री की तरफ से भी क्लोज, इसको हम क्या बोलेंगे क्लोज इंटरवल। तो यहां से हो सकता ये है तो ये चेंज करना जाए और इधर से वो आपको चेंज करना चाहिए, ये आपके पास इंटरवल केस है। एक आपके पास है यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट है, कौन सा सेट है यूनिवर्सल, वो सबसे बड़े सेट को हम बोल देते हैं। अगर चार सेट हैं और एक सेट के अंदर से ही वो बने हुए हैं तो सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर से वो चार सेट आपके बने हुए हैं सब पर, वो उनके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जो सबसे बड़ा है। लाइक दैट हमारे पास हमने पढ़ना यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देखिए यू से इसको डिनोट कर लेते 1 2 3 4 5, ए सेट में है 1 3, बी सेट है 3 4 एंड सी सेट है 1 2 4 5। तो अब आप देखो ए बी सी जो सेट है उसके सभी एलिमेंट यू से हैं, तो इंप्लाइज यू इज यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट। कैसा सेट है यूनिवर्सल सेट। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास सबसेट की लिस्ट तैयार करनी है या नंबर ऑफ सबसेट हमें बताने हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उनसे रिलेटेड वर्क करेंगे। ये आपका बेसिक था सबसेट से रिलेटेड और यूनिवर्सल से रिलेटेड और इंटरवल से रिलेटेड। थैंक यू।